वेलकम बैक टू टेक कंसल्टेंट। आज को जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड, वो है हाउ टू बिल्ड ए साइन अप फॉर्म विद ए फ्लोटिंग लेवल एंड ट्रांजिशन यूजिंग द प्लेन HTML एंड CS कोड। तो हम लोग साइन अप फॉर्म को क्रिएट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीका से हम लोग सीखेंगे कोई भी एक साइन अप फॉर्म को कैसे करके बिल्ड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, जो कैसे करके साइन अप फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कैसे कैसे साइन अप फॉर्म क्रिएट करते हैं, ये टोटल चीज़ को आज को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करता हूँ। तो अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करता हूँ। तो साइन अप फॉर्म तो ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट में ज़रूर आपने सुना होगा, देखा होगा। जब भी आप कोई सोशल नेटवर्किंग साइट में आप लॉग इन करने जाते हैं, फर्स्ट टाइम जब आपने गए थे तो उसमें आपको साइन अप फॉर्म आपको दिखा होगा। साइन अप फॉर्म में क्या होता है, जो कैसे करके हम कोई भी यूज़र को मतलब उस पर्टिकुलर साइट्स में आप कैसे करके रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करेंगे तभी आप जान सकेंगे जो कैसे करके हम उसमें ये रहता है। तो उसमें सेवरल कैटेगरीज आपको मिलता है, जो कैसे करके क्या क्या कैटेगरी में आपको भरना पड़ता है, नेम, ईमेल आईडी, फुल नेम, जेंडर, टोटल डिटेल्स आपको भरना पड़ता है, तब आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब में हो, या आपको इंस्टाग्राम हो, या किसी में भी आपने जो फर्स्ट टाइम गया होगा तो उसमें आपको एक साइन अप फॉर्म ज़रूर आपने भरा होगा। जब ईमेल आईडी आपने फर्स्ट क्रिएट किया होगा तो भी आपको एक साइन अप फॉर्म आपको जब मिला होगा, तो साइन अप फॉर्म में क्रिएट करने के बाद आपके आईडी क्रिएट हो जाता है, फिर आप साइन इन करके उस आईडी के थ्रू आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट या डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, तो यही इंपॉर्टेंस होता है। तो साइन अप फॉर्म क्या होता है, एज यू कैन सी द अबव इमेज, व्हेन एन इनपुट विद इन द फॉर्म गेन्स फोकस, इट्स लेवल फ्लोट्स टू द टॉप एंड ए सेमी टेक्स्ट बॉर्डर अपीयर्स अराउंड द इनपुट। If the text gets typed into the input and the input loses focus, the label remains on top. Otherwise, the label drop back down into the inputs. ये एक साइन ऑफ फॉर्म होता है, जिसे आप अपने स्क्रीन में भी देख रहे हैं, ये एक साइन ऑफ फॉर्म का कैटेगरी है। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए हम लोग जानते हैं इसका सिंटैक्स कैसे होता है, तो कैसे करके हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ये टोटल प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग चलिए एडिटर में चलते हैं, अपने में एडिटर्स में हम लोग जाके देखते हैं ये कैसे करके क्रिएट होता है। तो ये फ्रेंड ऑलरेडी मैंने कोड को लिख चुका हूँ, HTML और CSS में हम लोग टोटल डिज़ाइन करके रखा हूँ, ये टोटल कैसे करके एग्जीक्यूट करता है साइन अप फॉर्म को, टोटल लिख करके रखा हूँ। तो चलिए देखता हूँ इसमें क्या क्या कैटेगरी है। इसमें टोटल हम लोग HTML का ये बॉडी हम लोग क्रिएट किया गया, फ्रंट फैमिली करके हम लोग क्रिएट करके रखे हुए हैं, बॉक्स किस टाइप का लेंगे वो हम लोग डिफाइन करके, विड्थ उसका डिफाइन किया गया, फ्रंट साइज डिफाइन किया गया, पैडिंग हम लोग इनपुट करके रखे हुए हैं, मार्जिन की है, डिस्प्ले बॉर्डर किस टाइप का लेंगे, लेवल क्या लेंगे, फ्रंट साइज क्या होगा, लेवल का इनपुट में हम लोग क्या क्या लेंगे वो हम लोग लिखे हुए हैं, पासवर्ड जो गिवन करेगा उसका इनपुट्स क्या रहेगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, वो टोटल चीज़ हम लोग डिफाइन करके रखेंगे। ये फॉर्मेट को आप ही अपने यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इसमें। ठीक है, बटन में जो हम लोग यूज़ करेंगे, जो बटन्स जो चेक बटन करेंगे उसका फ्रंट साइज हम लोग क्या लेंगे वो इस टाइप का रहेगा, फ्रंट विड्थ क्या रहेगा उसको हम लोग पैडिंग उसमें क्रिएट किया, बटन्स का पैडिंग में बात कर रहे हैं, विड्थ का साइज क्या होता है, कैपेसिटी क्या गिवन किया गया है। ठीक है, इसमें टोटल चीज़ हम लोग पैडिंग्स का डिफरेंट किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट ये करके किया, बॉडी में क्या रहेगा, क्या हेडिंग्स दिखेगा, यहाँ पर क्या हेडिंग्स दिखेगा, टेक कंसल्टेंट साइन अप फॉर्म्स इसमें हेडिंग दिख रहा है आपको। ठीक है, ईमेल उसका आईडी का हम लोग के लिए है इनपुट्स में, टेक्स्ट क्या रहेगा, पासवर्ड का टेक्स्ट क्या रहेगा। ठीक है, ये टोटल चीज़ हम लोग डिफाइन करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। ठीक है, इसको आप भी अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं, अपने एडिटर पर जा करके ये टाइप करके आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट्स को एग्री करते हैं या नहीं करते हैं उसमें एक चेकबॉक्स में हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो एक टू गिवन होगा। ठीक है, ये क्लियर स्क्रीन करके टोटल चीज़ हम लोग डिफाइन करके, अब चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या गिवन करता है, इसका आउटपुट हम लोग कैसे डिफाइन करता है, रिवर करके हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या डिफाइन करेगा। ये रिवर जब हम लोग करें रन करके देख रहे हैं तो हम लोग कैसे साइन अप फॉर्म में डिपेंड हो गया, टेक कंसल्टेंट हम लोग हेडिंग में जो दिए थे, ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी आप जो भी आप टाइप करेंगे वो ईमेल आईडी आपको क्रिएट हो मतलब ये आपको डिपेंड कर जाएगा, फिर पासवर्ड जो आप लिखेंगे वो पासवर्ड आपके एंटर हो जाएगा, फिर रिपीटेड पासवर्ड आप
क्रिएट करेंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स हम लोग बनाए थे, एक कोड में लिखा गया था चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स को यहाँ पर क्लिक किया गया है। क्रिएटिंग द अकाउंट, एनी टर्म्स एंड कंडीशन करते हैं, तो फिर इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ कैंसिल आप कर सकते हैं या साइन अप करेंगे। साइन अप करेंगे तो ये चल जाएगा डेटा, टोटल इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में, डेटाबेस में जाकर सेव हो जाएगा, फिर आपको एक आईडी क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से कोई एक साइन अप फॉर्म को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यह ईमेल आईडी की टोटल चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम लोग गिवन किया गया है ईमेल आईडी के लिए हम लोग लिखे हुए हैं, पासवर्ड क्या रहेगा, चेकबॉक्स को क्या रहेगा, टोटल चीज़ हम लोग गिवन किया गया। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी एक साइन अप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। ये रियल टाइम एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैंने बताया जो कैसे क्रिएट है। इस टाइप से मैंने बहुत सा अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन करके रखा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ फ्रेंड नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फ्रेंड बाय।